Assalamu alaikum, dear students. I am Sumaiya Mohammed from Boys Higher Secondary School, Yunsu. We have finished our term first syllabus for the subject history. And now we will be studying another textbook of social studies, that is political science. सबसे पहले हम देखेंगे कि political science है क्या. Political science is the study of state and government, or we can say it is the systematic study of government and politics. Political science में हम रियासत और इसकी हुकूमत के बारे में पढ़ते हैं. इस बुक में हम पढ़ेंगे हमारी स्टेट के बारे में, हमारी गवर्नमेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में. इस बुक का मेन मोटिव जो है वो यह है कि लर्नर्स को पता चले डेमोक्रेसी क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या है डेमोक्रेसी के, क्या होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री. ये सब इंफॉर्मेशन आपको इन डिटेल इस टेक्स्ट बुक में मिलेगी. इस बुक में डेमोक्रेसी को इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम जानेंगे. यू कैन सी हियर डेमोक्रेसी, जो आपकी ये बुक है इसके पहले पेज पर ही लिखा है डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल साइंस की ये नाइन्थ क्लास की टेक्स्ट बुक, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा है डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स. दैट मीन्स इस बुक में हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स के बारे में. पॉलिटिक्स यानी सियासत, कैसे गवर्नमेंट एक कंट्री को गवर्न करती है, इसे पॉलिटिक्स कहते हैं. और डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जिसे लोग इलेक्ट करते हैं. तो इस टेक्स्ट बुक में हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी क्या है और कैसे चलती है. बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, लेट्स फर्स्ट हैव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डेमोक्रेसी. वॉट इज डेमोक्रेसी? Democracy is a word that is derived from the Greek word demokratia. Demos means people and kratia means rule. That means democracy is people's rule, logon ki hukumat. Ise democracy kehte hain. Democracy is a form of government that allows people to choose their rulers. Yani डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोगों को राइट दिया गया है, हक दिया गया है अपने लीडर्स चुनने का. और डेमोक्रेसी में वही लीडर रूल करता है कंट्री को जिसे लोग चुनते हैं, दैट्स इलेक्टेड बाय द पीपल. इसके अलावा डेमोक्रेसी में लोगों को फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट. लोगों को हक है कि वो अपनी वेव्स को एक्सप्रेस कर सके इन डेमोक्रेसी, और अपनी सोच को वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. और अगर लोगों को लगे कि कहीं किसी जगह पर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, देन दे कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट. इसका इनको हक है. दैट इज वाई वी कॉल डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, for the people and by the people. मतलब डेमोक्रेसी लोगों की गवर्नमेंट है, लोग ही इसे चुनते हैं और ये लोगों के लिए ही काम करती है. इन डेमोक्रेसी कॉमन पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट. ए कंट्री इज रूल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. इंडिविजुअल राइट्स आर गिवन रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन. पीपल हैव राइट टू वोट, just like we have in our own democratic country, that's India. Our country, India, is a democratic country. Hindustan ek jumhuri mulk hai. Here, government is elected by the people. After every 5 years, elections hote hain aur hum apne leaders khud chunte hain by casting our votes. Jab hum vote dalte hain, फिर हम अपने मनपसंद लीडर को इलेक्ट करते हैं. वी हैव फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट. दैट इज पॉसिबल इन डेमोक्रेटिक कंट्री. और हमारी जो कंट्री है यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको अब पता चला होगा कि डेमोक्रेसी क्या है. ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डेमोक्रेसी. That's all for today. Thanks and Allah Hafiz.